हेलो एवरीवन, दिस इज़ राजन हियर फ्रॉम एक्विटी सर्विसेज। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे आप अगर कुछ हायरिंग्स करना चाहते हैं तो उसके लिए पोस्ट कैसे बना सकते हैं जो आप व्हाट्सएप स्टेटस पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं। तो वो करने के लिए आप कैनवा में चले जाइए। कैनवा में जाने के बाद में यहाँ पे सर्च बार है जहाँ पे हायरिंग करके डाल दीजिए। तो जैसे ही आप हायरिंग डालेंगे बहुत सारे टेम्पलेट कैनवा दे देगा। तो वो देने के बाद में किसी एक टेम्पलेट पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो कंटेंट है वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे वी आर लुकिंग फॉर, अभी मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर देख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा सॉफ्टवेयर डेवलपर फॉर PHP। ये करने के बाद में अगर मैं ये चाहता हूँ कि रिज्यूम कहाँ पे सेंड करें तो ये भी मैं एडिट कर सकता हूँ कंटेंट। तो सेंड रिज्यूम ऑन मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जो भी ईमेल आईडी मुझे डालना है उस पर मैं डाल सकता हूँ। अभी यहाँ पे कंपनी का नाम जो दिया है वो भी चेंज करके मैं हमारे कंपनी का नाम डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक्यूनिटी, इसी तरीके से आप आपके कंपनी का नाम डाल सकते हैं जिस कंपनी के लिए आप हायरिंग करना चाहते हैं। अब ये करने के बाद में अगर आप लोगो डाल देंगे तो और ज़्यादा ये बेटर दिखेगा। तो ये करने के बाद में मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर देता हूँ, अपलोड में जाता हूँ, और जो भी आपके कंपनी का लोगो है अगर आप चाहिए तो अपलोड करके अपलोड भी कर सकते हैं, या पहले से अपलोड किया है आपने तो यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ लोगो और इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ। छोटा करने के बाद में मैं यहाँ पे ऊपर इसे प्लेस कर देता हूँ। जहाँ पे भी आप प्लेस करना चाहते हैं उसे प्लेस कर सकते हैं। अब इसमें मैं ये चाहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर जो है वो थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ इसका। तो इसके लिए मैं यहाँ पे रिप्लेस ये इमेज के कलर पे क्लिक करूंगा। कलर पे क्लिक करने के बाद में मैं ये चाहता हूँ कि लोगो का कलर बैकग्राउंड हो जाए, तो मैं लोगो का कलर भी लगा सकता हूँ। तो जैसा मुझे चाहिए वैसा मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं लोगो का कलर चाहता हूँ तो वो मैं लगा दूंगा। तो ये मैंने लोगो का कलर लगा दिया। अभी मैं ये चाहता हूँ कि ये भी जो कलर है इसका व्हाइट हो जाए, तो मैं वो टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और इस पे कलर पे क्लिक करूंगा और व्हाइट सेलेक्ट कर लूंगा। तो ये होने के बाद में आप देख सकते हैं कि आपका जो वी आर हायरिंग टाइप का जो पोस्ट है वो क्रिएट हो गया। और इसे अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऊपर एक डाउनलोड बटन है जिसपे क्लिक कर दीजिए, तो इमेज जो है ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद में आप जो भी प्लेटफॉर्म पे डालना चाहते हैं इसे डाल सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी हायरिंग रिलेटेड पोस्ट अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो ये अगर मैं शेयर करना चाहता हूँ तो शेयर भी कर सकता हूँ। ऐसे वीडियोस अगर आप और भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं, जिससे फ्यूचर में जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा।